बेस्ट सैमसंग फोन अंडर 30,000। देखो मार्केट के अंदर ना हमें ढेरों ब्रांड्स के फोन्स मिल जाते हैं, बट एक जो सैमसंग के फोन्स होते हैं ना उनकी जो बिल्ड क्वालिटी है, उसका जो यूआई है, वो वन ऑफ द बेस्ट एंड्रॉइड में। मैं पर्सनली काफी देर से सैमसंग के फोन यूज कर रहा हूँ, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बेस्ट सैमसंग फोन्स की बात करेंगे जो कि मैं 30,000 के बजट में मिलते हैं, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन्स हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नाउ विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स चेक आउट द बेस्ट फोन अंडर 30,000 रुपीस। तो सबसे पहला फोन है सैमसंग गैलेक्सी A33 फोन। ये 5G फोन है, 26,000 रुपीज इसका करंट प्राइस चल रहा है। ऑलराउंडर फोन में से कह सकता हूँ आपके जितने भी डेली डे टू डे टास्क है ना वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी आपको इसके अंदर। 6.4 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। एंड एक और चीज है, दिखने में एंड इसकी जो इन हैंड फील है वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगती है। 2400x1080 पिक्सल्स है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, गोरिल्ला ग्लास 5G प्रोटेक्शन, 800 निट्स की ब्राइटनेस, Asia 10 प्लस, एक्सिनोस 1280 प्रोसेसर मिल जाएगा विच इज अ 5nm बेस्ड प्रोसेसर। 3.5 लाख के करीब इसका अंत स्कोर है। सिंपल चीज है कि आपने इस प्रोसेसर को गेमिंग के लिए कंसीडर नहीं करना, अगर आपने अपने फोन पे गेमिंग करनी है तो वो फोन्स मैंने आगे कवर किए हैं इसी वीडियो के अंदर। 6GB 128GB वाला वेरिएंट है, हाइब्रिड सिम स्लॉट। अब इसकी बैक साइड पे हमें मिल जाता है क्वाड कैमरा सेटअप, 48MP का OIS कैमरा मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 5MP का मैक्रो एंड 2MP का डेप्थ सेंसर। ड्रॉप नॉट स्टाइल में मिल जाएगा 13MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा। और हाँ, इसका जो OIS है वो 4K वीडियोस पे काम नहीं करेगा, बट अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस इसकी जो पिक्चर क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी है वो वन ऑफ द बेस्ट है। मेन कैमरा से हम 4K 30fps रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p 30 एंड 60fps, फ्रंट कैमरा से 4K 30fps 1080p 30fps। 5G के 12 बैंड्स की सपोर्ट मिल जाती है, 5000mAh की बैटरी कैपेसिटी है, USB टाइप C2C 25W की चार्जिंग को स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। फ्रॉम 0 to 50% इसकी जो बैटरी है ना वो सिर्फ 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी। अडैप्टर आपको फोन के साथ नहीं मिलेगा, वी हैव टू बाय इट सेपरेटली। 1 UI 4.1 दिया गया बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12, IP67 रेटिंग, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 4 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट एंड 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट मिल जाती है फोन में। एंड एक और चीज है कि ऐसा कोई भी दूसरा फोन नहीं है जो कि आपको 30,000 के बजट पे 4-5 सालों की अपडेट के साथ मिले, तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना। ओके, बेस्ट बाय लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जस्ट गो फॉर इट। अगला फोन है सैमसंग गैलेक्सी M53 फोन। इसका जो करंट प्राइस चल रहा है दैट इज अराउंड 25,000 रुपीज। बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर वाला फोन है, ऑलराउंडर फोन है, बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर मिल जाएगा, एकदम ही बेस्ट इन क्लास कैमरा। एंड इसका जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है ना वो आपको 23,500 रुपए में मिल जाएगा। 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, 2400x1080 पिक्सल्स है, गोरिल्ला ग्लास 5K प्रोटेक्शन, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। एंड यार एक और चीज है, देखो वी ऑल नो कि सैमसंग के फोन्स की जो डिस्प्ले होती है ना वो बाकी सभी फोन्स के कंपैरिजन में दी बेस्ट होती है अनडाउटेडली। MediaTek Dimensity 900 प्रोसेसर दिया गया विच इज अ 6nm बेस्ड प्रोसेसर। अंतुतु स्कोर की बात करें तो 4,30,000 के करीब इसका अंतुतु स्कोर है। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, हाइब्रिड सिम स्लॉट। अब इसकी भी बैक साइड पे हमें मिल जाता है क्वाड कैमरा सेटअप। देखो इसका जो मेन कैमरा है ना वो 108MP का है, अल्ट्रा वाइड है 8MP का, डेप्थ सेंसर 2MP का एंड मैक्रो भी 2MP का, सेंटर कंसोल में 32MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा। अब इसका जो फ्रंट एंड बैक कैमरा है दोनों से हम 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps। 5G के 12 बैंड्स की सपोर्ट मिल जाएगी, 5000mAh की बैटरी कैपेसिटी, USB टाइप C 25W तक की चार्जिंग को स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। 1 UI 4 मिलेगा बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12, सेकेंडरी माइक्रोफोन नॉइस कैंसिलेशन, ऑब्जेक्ट इरेजर फीचर, वाइड वाइन L1 सपोर्ट मिल जाती है हमें, नॉक सिक्योरिटी के साथ ही ऑटो डेटा स्विचिंग जैसे फीचर्स की सपोर्ट मिलेगी आपको, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ही फेस अनलॉक दोनों की सपोर्ट है, 2 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट एंड 4 साल की सिक्योरिटी पैच अपडेट। तो आपने इसे भी जरूर कंसिडर करना, वन ऑफ द बेस्ट फोन है, जस्ट गो फॉर इट। अगला फोन है सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G फोन। देखो ये जो फोन है वो आपको 30,000 के प्राइस पॉइंट पे इजीली मिल जाएगा। 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिल जाएगी। देखो इसकी जो डिस्प्ले है वो अभी मैंने आपको दो फोन्स बताए हैं ना उनके कंपैरिजन में ज्यादा बेटर डिस्प्ले है। 2400x1080 पिक्सल्स है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस, गोरिल्ला ग्लास 5K प्रोटेक्शन, स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर मिल जाएगा, अंतुतु स्कोर अराउंड 5 लाख के करीब है। एंड ये जो प्रोसेसर है ना 778G ये बहुत ही स्टेबल प्रोसेसर एंड वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर है, आप इसे जैसे मर्जी यूज कर सकते हो। 6GB 128GB स्टोरेज है, हाइब्रिड सिम स्लॉट, क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाएगा बैक साइड पे, 64MP का OIS ऑटो फोकस मेन कैमरा, 12MP का अल्ट्रा वाइड मैक्रो कैमरा, 5MP का डेप्थ सेंसर, 5MP का सेंटर कंसोल में 32MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। इसका जो मेन कैमरा एंड फ्रंट कैमरा दोनों से हम 4K 30fps रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p 30 एंड 60fps। 5G के 12 बैंड्स की सपोर्ट, 4500mAh की बैटरी कैपेसिटी है, USB टाइप C, 15W का चार्जर आपको फोन के साथ मिल जाएगा, बट ये फोन 25W तक की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एंड्रॉइड 11 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, IP67 रेटिंग, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, वाइड वाइन L1 सपोर्ट, सेकेंडरी माइक्रोफोन नॉइस कैंसिलेशन, 3 साल की OS अपडेट मिल जाएगी आपको।
अगला फोन है सैमसंग गैलेक्सी A34 5G फोन, 31,000 रुपीज इसका करंट प्राइस चल रहा है। वन ऑफ द बेस्ट यूआई एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, बहुत ही प्रीमियम लुक वाला फोन है ये। 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड वाटर ड्रॉप नॉच में हमें डिस्प्ले मिल जाती है। वाइड वन L1 सपोर्ट दी गई है, ग्लास फ्रंट है, बैक भी ग्लास के साथ आता है। एंड दिखने में लुक्स वाइज ये जो फोन है ना वो 50,000 के किसी भी फोन से कम नहीं लगता, एकदम ही प्रीमियम लुक है, बहुत ही बढ़िया इन हैंड फील मिलेगी आपको। लेकिन सिर्फ एक चीज मेरे को थोड़ी सी वियर्ड लगती है इस फोन में कि इसके अंदर में वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिल जाती है, उसके अलावा ये फोन टोटली परफेक्ट है। 2340x1080 पिक्सल्स है, गोरिल्ला ग्लास 5K प्रोटेक्शन, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, HDR10 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस। देखो नेटफ्लिक्स में आपको HDR की सपोर्ट नहीं मिलती, बट जो YouTube वीडियोस हैं वो आप HDR पे देख सकोगे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 प्रोसेसर है, 5.5 लाख के करीब इसका अंतुतु स्कोर है। ओकेजनल गेमिंग आप इस फोन पे कर सकते हो, लेकिन अगर आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है तो इसे आप कंसीडर मत करना। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, हाइब्रिड सिम स्लॉट, 48MP का मेन कैमरा विद OIS, 8MP का अल्ट्रा वाइड प्लस 5MP का डेप्थ सेंसर मिल जाएगा, 13MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया। देखो कैमरा इसका काफी बढ़िया है, मेन एंड सेल्फी कैमरा से हम 4K 30fps रिकॉर्ड कर सकते हैं। 5G के 11 बैंड्स की सपोर्ट मिल जाएगी, 5000mAh की बैटरी कैपेसिटी, USB टाइप C2C, 25W तक की चार्जिंग को स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। फ्रॉम 0 to 100% इसकी जो बैटरी है ना वो सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर चार्ज हो जाती है। अडैप्टर आपको फोन के साथ नहीं मिलेगा, एंड्रॉइड 13 दिया गया एकदम ही लेटेस्ट। डुअल माइक नॉक सिक्योरिटी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉइस फोकस फीचर दिया गया फॉर क्लियर कॉलिंग, IP67 रेटिंग, 4 साल की OS अपडेट मिल जाएगी एंड 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट। तो इसकी भी अपडेट्स एकदम दी बेस्ट है, आपने इसे जरूर कंसिडर करना है। नाउ दिस इज सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G फोन। देखो ये जो फोन है ना वो उनके लिए जो अपने बजट को थोड़ा सा पुश कर सकते हैं, अराउंड 34,000 रुपीज इसका करंट प्राइस चल रहा है, बट इस बजट का टोटली वर्थ इट स्मार्टफोन है, टोटली ऑलराउंडर स्मार्टफोन इसे मैं कह सकता हूँ। लिस्ट में सबसे बेस्ट कैमरा इसी फोन का, डिस्प्ले सबसे बढ़िया इसकी है एंड दिखने में भी एकदम मस्त लगता है। 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस डायनेमिक एमोलेड 2X डिस्प्ले मिल जाती है, एमोलेड स्क्रीन वाला फोन है, डिस्प्ले आपको एकदम बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। 2340x1080 पिक्सल्स है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन, 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 240 हर्ट्ज का TSR, एशिया 10 प्लस, एक्सिनोस 2100 प्रोसेसर दिया गया विच इज अ 5nm बेस्ड प्रोसेसर, 7 लाख के करीब इसका अंतुतु स्कोर है, 8GB LPDDR5, 128GB UFS 3.1 डुअल नैनो सिम, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, मेन कैमरा 12MP का, अल्ट्रा वाइड 12MP का एंड 8MP का टेलीफोटो OIS, 32MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा। अब इसका जो मेन कैमरा उसे हम 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 and 60fps पे, अल्ट्रा वाइड से भी 4K at 30fps रिकॉर्ड हो जाएगी, बट इसका जो सेल्फी कैमरा है उससे भी हम 4K at 60fps कर सकते हैं, बट स्टेबिलाइजेशन वहाँ पे काम नहीं करेगा 4K fps पे। 5G के 12 बैंड्स की सपोर्ट मिल जाती है, 4500mAh की बैटरी कैपेसिटी, USB टाइप C2C, 25W तक की चार्जिंग को स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। फ्रॉम 0 to 50% इसकी जो बैटरी है वो सिर्फ 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है, अडैप्टर आपको सेपरेटली बाय करना पड़ेगा। UI 4.0 मिलेगा बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12, सेकेंडरी माइक फॉर नॉइस कैंसिलेशन, 15W तक की वायरलेस चार्जिंग को ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दोनों की सपोर्ट दी गई है, IP68 रेटिंग। तो ये जो फोन है ना वो इस बजट का दी बेस्ट फोन है, आपने इसे तो जरूर कंसीडर करना है। देखो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा पुश कर सकते हो ना तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसका जो कैमरा एंड पिक्चर क्वालिटी है ना दैट इज टोटली अनबीटेबल। बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जस्ट गो फॉर इट। सो या दीज आर दी बेस्ट सैमसंग फोन अंडर 30,000 रुपीज इन 2023। आप इन पांचों में से किसी भी फोन को बाय कर सकते हो, ये पांचों के पांचों स्मार्टफोन अपने बजट के अकॉर्डिंग दी बेस्ट ऑप्शन है। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज से रिलेटेड तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी तो प्लीज यार इसे लाइक एंड शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।